नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबसिको जी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्डपैड यानी कि वर्डपैड क्या होता है, वर्डपैड किसे कहते हैं, वर्डपैड से क्या क्या कर सकते हैं, वर्डपैड एक्चुअली में होता क्या है, उस पर कैसे वर्क करते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम आपको बताए थे कि नोटपैड क्या होता है, नोटपैड के अंदर कितने मेनू होते हैं और उन मेनुओं के अंदर जो ऑप्शन होते हैं उनका यूज कैसे किया जाता है, अपने फॉन्ट इटैलिक और ये सब का बोल्ड कैसे किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हम आपको नोटपैड में बताए थे, बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताते हैं, बिल्कुल डिटेल से बताते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। साथ ही में दोस्तों उस नोटपैड के अंदर से जितने क्वेश्चन ट्रिपल सी का बनते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ट्रिपल सी के अंदर बनेंगे, वो सारे हम आपको बता दिए थे, मेन पॉइंट भी बता दिए। और आज का जो टॉपिक है हमारा वर्डपैड क्या होता है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको कैसे ओपन करते हैं, इसका मेन पॉइंटेड क्या है, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि आपको बताएंगे बिल्कुल विस्तार पूर्वक। सो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे इस वीडियो के साथ, तो लास्ट तक देखिएगा, जरूर आपको ज़रूर आनंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखे हैं वर्डपैड मतलब कि वर्डपैड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको वर्डपैड ओपन करने का तरीका बताते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले ओपन करने का तरीका, ठीक है। तो दोस्तों देखिए वर्डपैड ओपन करने का तरीका यानी कि वर्डपैड ओपन करने का तरीका तीन प्रकार से होता है, ठीक है, तीन प्रकार से होता है। जैसे कि हम आपको नोटपैड में बताए थे ओपन करने का तरीका, सेम वही आपका वर्डपैड में भी होता है, ठीक है, सेम वही, बस नोटपैड की जगह पर वर्डपैड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ओपन करने का तरीका करते हैं। ओपन कैसे करते हैं, पहला स्टेप यानी कि नंबर एक क्या करेंगे, हम स्टार्ट बटन पर जाएंगे। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद हम यहाँ से आल प्रोग्राम में जाएंगे, और आल प्रोग्राम में जब जाएंगे तो फिर वही पोजीशन पर जाएंगे एसओ सीरीज में। किस में जाएंगे, एसओ सीरीज में जाएंगे, और एसओ सीरीज को क्लिक करेंगे तो इसमें हमें कहीं पर वर्डपैड दिखाई देगा, ये रहा हमारा वर्डपैड, ठीक है। तो ऐसे जब क्लिक कर देंगे तो ये वर्डपैड एक एमएस ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह खुलता है, जैसे एमएस ऑफिस होती है वैसे ही खुलता है। बस फर्क क्या है कि कुछ मेनू जो होते हैं इसमें कम हो जाते हैं, मतलब कि कम हो जाते हैं थोड़ा, जो मेनू एमएस ऑफिस वर्ड में मेनुओं की संख्या अधिक होती है, इसमें ज़्यादा नहीं है, बस दो ही मेनू हैं, बाकी उसके अंदर ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया ओपन करने का, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप राइट क्लिक करिए और न्यू पे जाइए। न्यू पे जब जाएंगे तो आपको एक अलग प्रकार की विंडो मिलेगी, और इस विंडो में आपको कहीं पे वर्डपैड दिखाई देगा, ठीक है। अगर दोस्तों इस ऑप्शन में वर्डपैड नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब कि हम न्यू पे गए और न्यू पे जाने के बाद इसमें हमें वर्डपैड नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर एक या दो बार तीन बार इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाता है। तो अभी हम वर्डपैड एक ही बार इस्तेमाल किए थे तो इसमें अभी आया नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके आप वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका दोस्तों बहुत ही इजी है, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। इतना कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सबसे आसान होगा। आसान तरीका वही है, विंडो बटन, कीबोर्ड में एक विंडो बटन है उसको दबा के और फिर आर बटन दबा देंगे। जैसे ही विंडो दबा के आर दबाएंगे तो आपके डिस्प्ले पे एक रन बॉक्स खुलेगा, ये आपका रन बॉक्स है ना। इस रन बॉक्स में आपको टाइप क्या करना है, वर्डपैड, WORD वर्डपैड, जैसे वर्ड जैसे लिखेंगे उसके नीचे ये आपका अक्षर आ जाएगा। आप एरो की से उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और कीबोर्ड में इंटर बटन है आप उसको क्लिक कर दीजिए, आपका वर्डपैड आपके सामने खुल के आ जाएगा। सो दोस्तों हम आपको तरीका बताएं, ठीक है, ओपन करने का तरीका बताएं। अब हम आपको बता देंगे पहले कि वर्डपैड क्या होता है, यानी कि व्हाट इज कहते हैं, व्हाट इज वर्डपैड, ठीक है, व्हाट इज वर्डपैड यानी कि वर्डपैड क्या होता है, ठीक है, वर्डपैड किसे कहते हैं, वर्डपैड क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल विस्तार से बता रहे हैं, ठीक है, और अच्छा ही लगेगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा। हर वीडियो से अलग वीडियो है ये आपकी, ज़रूर आपको पसंद आएगी और ज़रूर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बताते हैं वर्डपैड क्या है, व्हाट इज वर्डपैड, वर्डपैड क्या है, या फिर डिफिनेशन ऑफ वर्डपैड, वर्डपैड में क्या मतलब, वर्डपैड की परिभाषा क्या है, ठीक है।
तो ये बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में बन जाते हैं, लेकिन आपको बस वर्ड पैड के बारे में ही बताना है। तो क्वेश्चन तो किसी भी प्रकार से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, वर्ड पैड यानी कि यह एक प्रकार का टेस्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। मतलब कि वर्ड पैड इज़ ए टेस्ट एडिटिंग प्रोग्राम, टेस्ट एडिटिंग प्रोग्राम। वर्ड पैड इज़ ए टेस्ट एडिटिंग प्रोग्राम वी कैन यूज टू राइट द टेस्ट इन ऐड द पिक्चर एंड कलर टेस्ट। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि वर्डपैड एक प्रकार का टेस्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। वो जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार के टेस्ट को लिख सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं और उसमें पिक्चर लगा सकते हैं और उसको उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं। यानी कि वर्डपैड एक प्रकार का टेस्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसमें हम टेस्ट को लिखकर उसको कलर भी कर सकते हैं, कलर करके उसमें पिक्चर भी लगा सकते हैं और पिक्चर लगाने के साथ साथ उसके अंदर हम बहुत सारे काम को भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं वर्डपैड के अंदर। लेकिन नोटपैड में ऐसा नहीं था। नोटपैड आपका एक प्रकार का बेसिक प्रोग्राम था। क्या था? बेसिक प्रोग्राम। यानी कि नोटपैड एक साधारण प्रोग्राम था, जबकि यह टेस्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। साधारण और एडिटिंग का मतलब बनाना होता है, साधारण मतलब सामान्य, मतलब उसमें कोई भी टेस्ट बना नहीं सकते। नोटपैड में आप टेस्ट को कलर नहीं कर सकते, आप टेस्ट को मतलब कि टेस्ट के अंदर नोटपैड के अंदर पिक्चर नहीं लगा सकते, ठीक है। नोटपैड के अंदर आप अंडरलाइन नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वर्डपैड के अंदर आप लिखे गए टेस्ट को कलर कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, साइज को बढ़ा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या नाम है कि हाईलाइट कर सकते हैं, उसमें स्पेसिंग होता है, स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। उसके बाद आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट कुछ इंसर्ट भी करा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप वर्डपैड में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं भी यूट्यूब पे एक देखा था वीडियो जिसमें बताया गया था कि वर्डपैड में हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं, वर्डपैड में हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं और नोटपैड में हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं जो वीडियो देखा उसमें बताया गया था कि मतलब जो भी बनाए थे, अच्छे बनाए थे, उसमें ये था कि आप नोटपैड में हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं, ये उसका थंबनेल था। तो दोस्तों, नोटपैड में हिंदी टाइपिंग करना बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। वर्डपैड में भी हिंदी टाइपिंग करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही थर्ड क्वालिटी का यह था पोजीशन कि आप टाइपिंग कर सकते हो। बस एक बात आपको फंसाएगी, एक बात यह फंसाएगी कि अगर आपके सिस्टम में कृतिदेव है तो आप कृतिदेव पे फॉन्ट मतलब टाइपिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा याद करना पड़ेगा अल्फाबेटिक्स को। याद क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर कीबोर्ड में ए है तो ज़रूरी नहीं कि आप कृतिदेव पे हिंदी लिखेंगे, ए लिखेंगे तो अ लिखाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर डी है तो ऐसा नहीं कि ड लिखाएगा, के है तो क लिखाएगा, ऐसा नहीं। कृतिदेव में थोड़ा उल्टा होता है, मतलब कि ए से अंक की मात्रा आएगा, के से आ की मात्रा, ऐसे मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा। कृतिदेव में यही है, थोड़ा सा कृतिदेव में टाइपिंग करना तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान होता है उस टाइपिंग करना। लेकिन एक टाइपिंग और है जिसको हम मंगल फॉन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल फॉन्ट, ठीक है, मंगल फॉन्ट कहते हैं। मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग अधिकतर संख्या में की जाती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में की जाती है, ठीक है। तो मंगल फॉन्ट क्या होता है एक्चुअली में, जैसे कि मंगल फॉन्ट में अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या लिखे हैं ना, कीबोर्ड में जो अंग्रेजी अक्षर KYA लिखा गया, क्या, ये हमारा टाइपिंग क्या है ना। लेकिन जैसे ही हम क्या लिख के, जैसे हम यहाँ पे क्या लिखे और स्पेस कर दिए, स्पेस जैसे ही करेंगे तो क्या को हिंदी में लिख देगा, क्या ऐसे लिख देगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे सिस्टम में मंगल फॉन्ट इंस्टॉल है। मैं बता दूंगा आपको मंगल फॉन्ट कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। तो मंगल फॉन्ट जब आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा अगर, तो आप शिफ्ट अल्ट कुछ समय तक दबाए रखिएगा, कुछ समय का मतलब सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड तक दबा रखिएगा और फिर छोड़ दीजिएगा। कर्सर आपका ये जो चलेगा वो रुक जाएगा और एक बार आप इंटर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से मैं लिखूँगा क्या, देखिए लिखा क्या, तो आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना। मैं स्पेस मारूँगा, देखिए लिख दिख दिया ना। अगर मैं लिख रहा हूँ क्या हाल है,
ठीक है, क्या हाल है। तो देखिए, मैं लिख तो रहा हूँ इंग्लिश, लेकिन स्पेस मार रहा हूँ तो हिंदी हो रहा है ना। अगर जैसे मैं कह दिया कि आज, देखिए आज मैं आप लोगों को, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को वर्ड पैड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए बताऊंगा, ये आपको बस ये बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा, यहाँ पे देखिए बताऊं, ये देखिएगा। अब इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं। ये आपका देखिए क्या है, मंगल फांट है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ये तो मंगल फांट है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है मंगल फांट पे टाइपिंग करना। जैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में टाइपिंग करते हैं ना, वैसे ही मंगल फांट पे भी टाइपिंग करेंगे, बिल्कुल आसान है। लेकिन कृति देव में ऐसा नहीं होता है। जैसे कृति देव में हम यहाँ से शिफ्ट अल्ट दबा के हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मंगल फांट को हटा देते हैं। तो शिफ्ट दबा लिए हम, अपने मंगल फांट को हटा दिए, ठीक है। अब मेरे में कृति देव है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कृति देव पे कैसे काम करते हैं। जैसे कृति देव यहाँ पे है, मैं यहाँ पे 11 वाला ले लेता हूँ। अब देखिए हम यहाँ सीख लिख रहे हैं KY, ये क्या ऐसे लिखे, तो ये लिखा रहा है, नहीं लिखा रहा है। अब हमें क्या लिखने के लिखे, देखिए कैसे लिखना पड़ेगा। यहाँ से हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्या हाल है, ठीक है, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। देखिए मतलब कि मंगल फांट का मतलब यह है कि आपको याद करना पड़ेगा, और कृति देव का मतलब यह है कि आपको याद करना पड़ेगा, मंगल फांट पे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर वीडियो दिखे कि टाइपिंग कैसे करते हैं मंगल फांट पे, नोट पैड में हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान तरीका है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि उसमें फॉर्मेट मेनू होता है, जैसे मैं दिखा दूँ आपको यहाँ से नोट पैड ओपन करके, ठीक है, नोट पैड ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए नोटपैड ओपन है। अगर हमें हिंदी लिखना है इसमें, अभी तो हम इंग्लिश लिख रहे हैं ना, हिंदी लिखना है तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, और फॉन्ट को जब ओपन करेंगे तो हमें एक प्रकार की क्या मिलेगी, अलग विंडो मिल जाएगी। देखिए ये विंडो मिल गई, अब यहाँ पे फॉन्ट एरिया है, अब यहाँ से हमें हिंदी कर लेना है, ठीक है। देखिए ये हिंदी वाले पार्ट आ गए ना, ये देखिए आ गए कि नहीं आ गए। तो ये आप फॉन्ट टाइपिंग कर सकते हैं बड़ा आसान तरीके से, इसमें आप टाइपिंग बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान होता है इसमें टाइपिंग करना, ठीक है। लेकिन फ़र्क बस क्या है कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमने कर दिया, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए लिखा रहा है ना, ये देखिए लिखा रहा है ना, ये देखिए है ना, टाइपिंग नोट पैड में हिंदी टाइपिंग करना क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं, कोई बड़ी बात है, ठीक है। तो बस फर्क यही है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको शिफ्ट अल्ट दबा के देखें, मंगल फांट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें लग रहा है कि काम करेगा मंगल फांट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं क्या, ठीक है, देखिए लिख रहा है हाल, ठीक है। बस आपको मंगल फांट कुल मिला के जानना है, कृति देव जानना है, बस दोस्तों आप नोट पैड वर्ड पैड में टाइपिंग हिंदी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका, बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है। तो हम आपको एक ही मतलब कि इतना बता दिए इस टाइपिंग के हिसाब से। तो दोस्तों ये आपको बोरिंग लगा होगा, लेकिन उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर से, वर्ड पैड एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम किसी प्रकार के टेक्स्ट को लिख सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, और उसमें नंबरिंग भी कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं, ये हमारा वर्ड पैड कहलाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि वर्ड पैड जब ओपन होता है तो इसके जो ये हिस्सा, ये हम बताए थे आपको, ये जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं, ठीक है, टाइटल बार कहते हैं, और इस हिस्से को क्विक एक्सेस एरिया कहते हैं, ये जो है ये क्विक एक्सेस एरिया है, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक एक्सेस, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। अब उसके बाद जो नीचे ये टाइटल बार होता है, हम आपको बताए थे टाइटल बार होता है, ये आपका देखिए कुछ मेनू यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपकी फॉन्ट फैमिली होती है, क्या होती है, फॉन्ट फैमिली होती है, ये फॉन्ट साइज है, ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, फॉन्ट साइज इंक्रीज, फॉन्ट साइज डिक्रीज, ठीक है, ये बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, और ये आपका जो है ड्राइविंग स्क्रिप्ट, मतलब कि टेक्स्ट को बीच से फाड़ देगा, ये आपका क्या है कि सब स्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये हाईलाइट है, ये आपका फॉन्ट कलर है, मतलब कि फॉन्ट को कलर करना, जैसे इसको हमें कलर करना है सेलेक्ट करके, हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ से कलर कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये आपका जो देखिए ये स्पेसिंग का है, ठीक है, क्या नाम है कि डिक्रीज इंडेंट,
देखिए यहाँ पे क्लिक करके अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो आपको देखिए कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, देखिए ये देखिए है ना, ये देखिए है ना। उसके बाद ये आपके पैराग्राफ है, देखिए ये आपके पैराग्राफ है, आप जैसे भी पैराग्राफ लगाना चाहते हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। और ये आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, आप यहाँ से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कितने इंच पे चाहिए आप उसको लगा सकते हैं, लाइन स्पेसिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका है। और ये आपका पिक्चर एरिया है, ये ड्राइंग एरिया है, यहाँ से डेट एंड टाइम लगा सकते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं और यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताए थे, आज हम यहाँ पे फिर से आपको बता देंगे। और ये जो एरिया है इसको रूलर कहते हैं, क्या कहते हैं, रूलर कहते हैं। और यहाँ पे ये जो पट्टी दिख रही है, ये जो पट्टी है इसको हम क्या नाम है कि स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है, स्टेटस बार इसको कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक वर्टिकल बार होता है तो वो अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है, जब बहुत सारे टेस्ट लिखेंगे शो करने लगेगा, ठीक है। तो हम आपको बता दिए इन सब के बारे में किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको बता दें कि हम जो इसमें फॉन्ट लिखेंगे उसको कलर कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, पिक्चर कैसे लगाएंगे, ये सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिखा कि मीनू ऑफ, यहाँ पे लिख दिया मीनू ऑफ, ठीक है, मीनू ऑफ वर्ड पैड, ठीक है, वर्ड पैड यानी कि वर्ड पैड के मीनू, यानी कि वर्ड पैड में कितने मीनू हैं, ठीक है। तो वर्ड पैड में मीनू देखिए उतना ही होते हैं जितना नोट पैड में होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे न्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है कि यहाँ पे देखिए दिया व्यू दिया है, व्यू दे दिया है। और उसके बाद फॉर्मेट है, ठीक है, फॉर्मेट इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन फॉर्मेट अभी डायरेक्टली इसमें दिया है, फॉर्मेट मीनू वैसे वर्डपैड में नहीं है, ठीक है। ओपन है, ठीक है, एडिट मीनू होता है, एडिट मीनू, ठीक है, यहाँ पे एडिट मीनू भी होता है, ठीक है। तो इसमें एडिट मीनू देखिए ये है, कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे है, ठीक है, रिफाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ये है, ये सब एडिट मीनू में पाए जाते हैं, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल कट कॉपी पेस्ट डिलीट ये सब एडिट मीनू होते हैं। और न्यू ओपन सेव सेव एज प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू पेज सेटअप ये आपके न्यू मीनू मिलते हैं। व्यू में आपको क्या मिलते हैं कि जो पेज का होता है उसको देखने के लिए, उससे कोई सहायता लेने के लिए होता है। फॉर्मेट में आपको कलर करने के लिए होता है, जैसे टेक्स्ट कलर करना है, पिक्चर लगाना है, ठीक है, पेज को सेट करना है, तो ये फॉर्मेट मीनू में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये अब हम मीनू इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अपने लिखे गए टेस्ट, ये जो बोल्ड है, ये बोल्ड है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि हेलो, यहाँ नहीं, हेलो नहीं लिखते हैं, यहाँ से वेलकम लिख देते हैं, ठीक है, वेलकम लिख देते हैं, वेलकम लिख दिए। और इसको कलर करना है तो देखिए सेलेक्ट करने का तरीका पहले दोस्तों बता दें आपको, तो आप शिफ्ट दबा के एरो की दबाएंगे, देखिए सेलेक्ट हो जाएगा, या तो आप माउस का लेफ्ट बटन दबा के करिए तो सेलेक्ट हो जाएगा, अगर आप कंट्रोल ए करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए केवल वेलकम को सेलेक्ट करके कलर करना है, बड़ा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ एरो की के साथ शिफ्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप माउस का लेफ्ट बटन दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो इसी के बीच आके डबल क्लिक कर देंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी टेस्ट हो अगर उसको कलर करना है, कलर करने के बाद उसको क्या नाम है कि बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, बड़ा करना है, जो भी करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी फॉन्ट को कलर करना है, बोल्ड इटैलिक चेंजिंग कुछ भी करना है, कॉपी भी करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करेंगे तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बताते हैं, यह आप बोल्ड पे क्लिक किए थे, बोल्ड हो गया, ठीक है। शॉर्टकट की इसमें क्या है, कंट्रोल बी है, देखिए बोल्ड हो रहा है, कंट्रोल आई से क्या हो रहा है कि इटैलिक हो जा रहा है, ठीक है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जा रहा है ना, ये देखिए ये आपका सारे चीज़ें हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो दिया है आपका ये, तो इसको क्लिक करके देखिए आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, वेलकम टू यू, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ये कैसे होता है, ये लिखने वाला प्रोसेस क्या होता है, ऐसे क्यों लिखा जाता है, ऐसे कैप्चा कोड लिखा जाता है, जैसे कोई फॉर्म भरते हैं तो कैप्चा कोड आता है तो बीच से कटा हुआ आता है ना, बीच से कटा हुआ जाता है, यानी कि गोपनीय, जल्दी कोई भर ना पाए, मतलब आपको डिस्टर्ब करने के लिए वो आता है, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको ये बता दें कि ये सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई फार्मूला लिखना है, जैसे मान लीजिए हमें H2O लिखना है, H2O का फार्मूला लिखना है, तो टू देखिए ऐसे लिखा रहा है, टू नीचे होता है ना, इस पर क्लिक कर देंगे टू लिख देंगे, ठीक है, फिर क्लिक कर देंगे ओ लिख देंगे और स्पेस मार देंगे, देखिए हो गया ना, O2 लिखना है, यहाँ पे O लिखेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और 2 लिखेंगे, देखिए सॉरी 2 अभी देखिए यहाँ पे क्लिक नहीं किए, यहाँ पे क्लिक कर देंगे 2 लिखेंगे, देखिए ये हो गया, ठीक है। अब ये आपका सब स्क्रिप्ट क्या है, सब स्क्रिप्ट का मतलब जैसे कि हम 10 लिखें, देखिए ये 10 लिखा रहा है, अभी हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से,
पहले स्पेस मार दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे 10 लिखे, इसके ऊपर मान लीजिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ऐसे होता ना, तो थर्ड ईयर, ठीक है, फर्स्ट लिखना है, ठीक है, फर्स्ट लिखना है तो या तो TH लिखना है। तो अगर TH ऐसे लिखते हैं, देखिए उसके बगल में लिखा रहा है ना, अगर हम यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिए और TH ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जो नीचे लिखा है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब जो नीचे फार्मूले में लिखते हैं वो होता है, और सब स्क्रिप्ट का मतलब जो स्क्वायर लगता है। जैसे कि मान लीजिए हमें क्या करना है, मान लीजिए कि हमें यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ पे 5 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर, यहाँ से 2 दबा देंगे, सॉरी देखिए नहीं लग रहा है, हम यहाँ से फिर से कोशिश करते हैं इसको हटाने का, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे शिफ्ट के साथ 2 और ये, अब इसको हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से स्क्वायर लगा सकते हैं, लग गया ना। तो ये आपका हो गया बोल्ड डिटेलिंग, अंडरलाइन, स्क्रेचेज और सबर सुपरस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। अब बात करते हैं कि ये हमारा ये क्या है, हाईलाइट। ये क्या है, हाईलाइट। जैसे कि मान लीजिए कोई बुक पढ़ते हैं, उसमें कोई पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत ही समझने लायक होती है, तो उसको हम हाईलाइट कर देते हैं या फिर वहाँ पे उसके नीचे पेन चला देते हैं। लेकिन वर्डपैड में आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें मान लीजिए आपको कुछ करना है, कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना, तो उसको यहाँ से सेलेक्ट करिए और उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट पे आ जाइए और यहाँ से आप हाईलाइट उसको कर लीजिए। देखिए ये आपका हाईलाइट हो गया, हो गया ना। जितना करेंगे उतना ही हाईलाइट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका फॉन्ट कलर है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि लिख रहा हूँ माई, ठीक है, नेम इज मुकेश, ठीक है, यहाँ से माई नेम इज मुकेश, ठीक है, यहाँ से मैं लिख दिया मुकेश, यहाँ पे मैंने लिख दिया मैं, ठीक है। अब इसको हमें कलर करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। और कलर चाहिए तो मोर कलर पे क्लिक करके यहाँ से जो भी कलर चाहिए, जो भी बनाना है, हम यहाँ से बना के ओके कर लेंगे। देखिए ये हमारा कलर हो चुका है, ठीक है, हो गया ना। तो ये आपका हो गया कलर, इनके बारे में, और ये स्पेस के बारे में अभी बता दिया। अब बात करते हैं पिक्चर लगाने के तरीका, वर्डपैड में पिक्चर कैसे लगाते हैं, ठीक है। वर्डपैड में पिक्चर लगाने का तरीका, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट दिया है, इंसर्ट पे क्लिक कर दे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अब आपको एक अलग विंडो मिलेगी जहाँ पे आपके पास पिक्चर होगा, वही एरिया आपको यहाँ खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है, तो पिक्चर कोई वैसी इंपॉर्टेंट हमारे पास पिक्चर नहीं है, हम कोई दूसरा पिक्चर डेस्कटॉप से लेके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप से देखिए हम एक पिक्चर यहाँ से ले लेते हैं, जैसे कि ये वर्डपैड का, चलिए ये वर्डपैड वाला ही पिक्चर, 2 बार क्लिक कर दिए तब भी हमारे वर्डपैड में आ जाएगा, ठीक है, और एक बार क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है, ओपन करके। ये देखिए ये हमारा पिक्चर आ गया, आ गया। अब पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पे देखिए दिया है चेंज पिक्चर, यहाँ पे दिया है रिसाइज पिक्चर, तो रिसाइज पे करके आप उसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, पिक्चर के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पिक्चर के बाद आप आपको लिखना है, तो पिक्चर के नीचे से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपको पिक्चर लगाने का तरीका भी मिल गया। अब यहाँ से ड्राइविंग के एरिया, जैसे कि पेंट में कुछ बना रहे हैं तो पेंट आपका खुलेगा और वहाँ से कुछ बना के क्या करना है कि आपको देखिए, जैसे ये पेंट है और इस पेंट में मान लीजिए कि हम बना रहे हैं, ये बना दिए, ठीक है, और यहाँ से कलर बॉक्स लेके यहाँ से हम यहाँ से इसको कलर कर दें, यहाँ से कट कर दिए, तो देखिए ये आ गया ना। ये पेंट में से आप कोई भी चीज़ ला सकते हैं, ये डेट एंड टाइम इंसर्ट कराने के लिए होता है, ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप फोटोशॉप में से कोई चीज़ लाइए, इसमें कोरल ड्रा से लाइए, एमएस ऑफिस से कोई चीज़ लाइए, एक्सेल से लाइए। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब वही है कि एक सॉफ्टवेयर का बनाई गई फाइल आप दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं लाके, ठीक है, ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है। और फाइंड रिप्लेस ये सब मैं आपको नोटपैड में बता चुका हूँ, बिल्कुल अच्छे से बता दिया हूँ, कट कॉपी पेस्ट सब कुछ बता दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब बात कर देते हैं दोस्तों कि डिफरेंस, ये जो हमारा कर्सर है, ये कर्सर, इसको हम यहाँ से पकड़ के यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ से पकड़ के इसको कंट्रोल ए कर लेते हैं, नहीं जा रहा है, एमएस ऑफिस में जाता है यहाँ, ये तो जा रहा है, ये भी जाना चाहिए, ठीक है, चलिए नहीं जा रहा है। देखिए हम आपको दोस्तों बता देते हैं कि नोटपैड, ठीक है, नोटपैड और वर्डपैड में अंतर क्या है, नोटपैड और वर्डपैड में अंतर क्या है, यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन
विट विन द नोट पैड एंड वर्ड पैड, यानी कि वर्ड पैड नोट पैड में अंतर क्या है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि नोट पैड और वर्ड पैड में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। सिंपल सा अंतर हम अगर आप हमारे बात पे ध्यान दिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा परिभाषा के हिसाब से, ठीक है। यानी कि ध्यान दिए होंगे तब आया होगा, नहीं ध्यान दिए होंगे तो आया ही नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए वर्ड पैड नोट पैड में अंतर क्या है। नोट पैड में देखिए, नोट पैड में क्या होता है यहाँ पे कि नोट पैड में हम लिखे गए टेक्स्ट को कलर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ये है, नोट पैड में लिखे गए टेक्स्ट को कलर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि नो कलर ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार के लिखे गए टेक्स्ट को कलर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे वर्ड पैड में आप किसी भी लिखे गए टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एस कलर, ठीक है, यहाँ से हम कलर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नोट पैड में हम क्या नाम है कि अपने नोट पैड में हम किसी भी प्रकार के पिक्चर को नहीं लगा सकते। नोट पैड में किसी भी प्रकार के पिक्चर को नहीं लगा सकते, नो पिक्चर्स, ठीक है, नो पिक्चर्स, किसी प्रकार के पिक्चर को नहीं लगा सकते। और वर्ड पैड में दोस्तों हम पिक्चर को लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम पिक्चर को लगा सकते हैं एस पिक्चर, ठीक है। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस थोड़ा सा ही लिख रहे हैं, बस आपको समझ में आ जाए, ठीक है, बस इतना ही लिख, इसलिए पूरा परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, इसकी पूरा डिफरेंस, ठीक है। और उसके बाद नोट पैड में आप ऑब्जेक्ट को इंसर्ट नहीं करा सकते, नो इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ड पैड में आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। नोट पैड में हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वर्ड पैड में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका वर्ड पैड है, ठीक है, और नोट पैड है, यानी कि नोट पैड में किसी प्रकार के पिक्चर को नहीं लगा सकते हैं, वर्ड पैड में पिक्चर को लगा सकते हैं। नोट पैड में लिखे गए टेक्स्ट को कलर नहीं कर सकते हैं, वर्ड पैड में कलर कर सकते हैं। नोट पैड में किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट नहीं करा सकते, वर्ड पैड में किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, नोट पैड के और वर्ड पैड के अंदर जो अंदर अंतर है, सबसे बड़ा अंतर, नोट पैड का एक्सटेंशन नेम .txt होता है और वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .doc होता है। .txt का मतलब होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है, नोटपैड में आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा, बहुत ही समझ में आ जाएगा। और वर्डपैड का जो होता है कि DOC का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है इसका मतलब, ठीक है, डॉक्यूमेंट होता है .doc। ये सबसे बड़ा अंतर इन सब का है, वर्डपैड और नोटपैड का सबसे बड़ा अंतर, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम .txt, वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम .doc दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से वर्ड पैड के बारे में हम आपको बता दिए, वर्क करने का तरीका भी बता दिए, इन सभी सारे चीज़ों के बारे में भी बता दिए, इंक्रीज और डिक्रीज के तरीके भी बता दिए। अगर मान लीजिए दोस्तों इसको हमें बड़ा करना है, आप इसको सेलेक्ट करिए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप लेस देन दबाइए, ठीक है, लेस देन दबाइए तो बढ़ेगा, ग्रेटर देन दबाएंगे तो घटेगा। या तो आप यहाँ पर देखिए बना ए की तरह, इसको दबाएंगे तो बढ़ेगा, इसको दबाएंगे तो घटेगा, ठीक है, ये इंक्रीज और डिक्रीज के तरीके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ड पैड क्या होता है, वर्ड पैड और नोट पैड में अंतर क्या है, ठीक है। ये तो बस इतना ही था, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी करिए और साथ में इसको शेयर भी करिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।